फरवरी महीने से शुरू हुई गर्मी ने मार्च में ही दम तोड़ दिया। बारिश ने तापमान इतना गिरा दिया कि एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है, यानी मौसम अब फिर से कूल कूल हो गया। मार्च के शुरुआती दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से मौसम ने ऐसी करवट ली कि जगह जगह बारिश के साथ ओले गिरने लगे। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कई जगह तेज बारिश और कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं, जिस कारण से मौसम सुहाना हो गया। सुबह से शाम तक रुक रुक के होती रही हल्की बारिश और तेज हवा ने तापमान को भी लुढ़का दिया। मौसम में हुए इस बदलाव के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक जा पहुंचा। इस बार मार्च में पहली बार अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक ही सिमटा हुआ है। इससे पहले यह 26 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में होता था। आज अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके बाद 20 मार्च से मौसम और खराब हो सकता है। 22 से 24 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही बादलों के साथ बारिश, तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना भी जताई है। हवाओं की गति लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बनी रहने की भी संभावना है, जो दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से चल सकती है। दिन में बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश, बूंदाबांदी की भी संभावना है। 20 मार्च से हवाओं का रुख में बदलाव होगा और हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चल सकती हैं। दिल्ली में 21 मार्च तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे प्रदूषण स्तर में कुछ सुधार बने रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो पिछले भूगर्भीय रिकॉर्ड की तुलना में अब मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम में ये बदलाव जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। वर्तमान जलवायु परिवर्तन का असर ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के पैटर्न दोनों पर पड़ रहा है। आसान भाषा में समझे तो जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग और मानसून में अस्थिरता को बढ़ा रही है, जिसके चलते गर्मी के मौसम की अवधि बढ़ रही है और बारिश की अवधि कम हो रही है, या फिर बेमौसम तेज बारिश हो रही है। धरती का तापमान लगभग 1.2 सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा 50% तक वृद्धि हुई है। पिछले कुछ सालों में मानसून के सिस्टम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले साल यानी 2022 में ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। इसके बिल्कुल उलट पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश ही नहीं हुई। पिछले साल के अगस्त महीने में बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक दो मानसून चक्र बने, जिससे पूरा मध्य भारत प्रभावित हुआ था। मौसम बदलने का ये पैटर्न लगातार दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है।